गुरु शरणम 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 समर्पण का भाव मनुष्य के जीवन में एक ऐसा पवित्र अंग है जो उसे आध्यात्मिक ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। ईश्वर के प्रति समर्पण भाव का अर्थ है अपने आप को पूर्ण रूप से उस अलौकिक शक्ति के हाथों में सौंप देना जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही है, उसको सौंप देना। समर्पण का मूल यह है, प्रत्येक गुरु शरणम के साथ सब कुछ शरणागत कर दीजिए। आज सब कुछ आनंद है आपके पास, कुछ बचता ही नहीं रखने को, सब कुछ तो उसी की शरण ने दिया है। आपने दिया ही क्या है उसे, उसी ने दिया है। गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम।
वो स्वयं ही सब कुछ देता है और वो स्वयं ही सब कुछ ले लेता है। सब कुछ सौंप दो, सब कुछ दे डालो आज उसे। पवित्र हो जाओ गुरु शरण, गुरु शरण, गुरु शरण, गुरु शरण, ईश्वर के प्रति समर्पण वास्तव में एक ऐसी यात्रा है जिसमें व्यक्ति अपनी सभी चिंताओं, डरों और आशाओं को ईश्वर के चरणों में छोड़ देता है। यह एक ऐसी मुक्ति है जो व्यक्ति को सांसारिक मोहमाया से अलग करती है। जब हम अपने आप को गुरु के हाथों सौंप देते हैं तो हमारी सभी चिंताएं, सभी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं और हमारा मन शांत हो जाता है। ईश्वर के प्रति समर्पण करने के लिए हमें अपने अहंकार को त्यागना होता है। अहंकार वह बाधा है जो हमें ईश्वर से सदैव दूर रखता है और जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं और ईश्वर की इच्छा के सामने विनम्र हो जाते हैं तभी हम अपने आप को पहचान पाते हैं और तभी हम ईश्वर के लिए बन पाते हैं। गुरु का ध्यान ही परमात्मा का ध्यान है और गुरु का नाम ही परमात्मा का नाम है। गुरु शरण।